अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बाइज एंड माय रोल नंबर इज़ 2020-28। द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज़ माइन एक्स सीटू सैम्पलिंग। एक्स सीटू मेथड्स रिक्वायर द रिमूवल ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम और एनालिसिस कंडक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो ये वो मेथड है जो कि सरफेस ऑफ द ग्राउंड पर किया जाता है और इसे करने से सैम्पल लिया जाता है और उस सैम्पल को आगे फर्दर एनालाइज किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से मिनरल मौजूद हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़, जिनकी परसेंटेज और इस तरह की तमाम उनकी करेक्टराइजेशन के मुतल्लिक स्टडी किया जाता है और फिर आगे माइनिंग का फर्दर प्रोसेस किया जाता है। तो ये जो होल प्रोसेस हो रहा है इसे हम कह रहे हैं एक्स सीटू मेथड। अब हम आगे चलते हैं। एक्स सीटू कंजर्वेशन इज द टेक्निक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। तो इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं जिसके अंदर से जो जहाँ से हमने सैंपल लिया है उसे वहाँ से लेकर जाया जाता है और उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसेस किए जाते हैं ताकि आगे से वो मिनरल के बारे में हम स्टडी कर सकें। इसलिए ये एक्स सीटू कंजर्वेशन की जाती है। एक्स सीटू सैंपल आर टेकन फ्रॉम रन ऑफ माइन कोयल स्टीम कोयल ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स एंड कोयल स्टॉक पाइल्स। तो अब हम फर्ज कर रहे हैं कि जैसे कि एक कोयल की माइन है, उसके अंदर से हम डिफरेंट जगहों से डिफरेंट यूनिट से उसके सैंपल्स इकट्ठे करेंगे ताकि हम ये स्टडी कर सकें कि किसी एरिया में मौजूद जो हमारे पास मिनरल है उसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं दूसरे थोड़े फासले पर मौजूद जो मिनरल है उससे अलग तो नहीं है। इसके लिए अच्छी तरह से इन तमाम हालात का जायज़ा लिया जाता है, सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है। तो जो सैंपल लिए जाते हैं उन्हें कोयल के उसे इस तरह देखा जाता है कि कहीं वो इग्नियस इंट्रूजन तो नहीं उस पर इफ़ेक्ट कर गए या फिर उसके अंदर मेजर फॉल्ट्स तो नहीं मौजूद हैं और इस तरह के तमाम तर जो फैक्टर्स जो आगे से इस पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, इसके आगे से प्रोडक्शन पे जो प्रोडक्ट्स पे आगे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम को देखा जाता है अच्छी तरह इस प्रोसेस के अंदर। द ऑब्जेक्ट ऑफ कलेक्टिंग कोयल सैंपल्स आफ्टर माइनिंग टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द कोयल एक्चुअली बींग प्रोड्यूस्ड। दिस कोयल मे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्राम द इन सीटू सैम्पलिंग। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो जो क्वालिटी है वो उसकी अच्छी तरह देखी जाएगी कि कौन कौन से जगह पे कौन सा मिनरल था, उसकी क्वालिटी क्या थी, उन्हें उसी हिसाब से करेक्टराइज कर दिया जाएगा और जो जिस कैटेगरी का मिनरल जो होगा वो जिस यूज़ का इस्तेमाल होगा आगे से वो उसी जगह पे उसे भेजा जाएगा और वहाँ पे माइनिंग की जाएगी उसे निकालने के लिए कि कौन सा हमें चाहिए, वही वहाँ पे माइनिंग करके उसी मिनरल को जाके निकाला जा सके। तो आगे मेथड्स हैं जिनसे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं यानी कि बढ़ा सकते हैं अपनी यील्ड को। और वो किस तरह हो सकता है कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग की जाए जहाँ पर मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ पोजिशंस पर सैम्पल्स इकट्ठे किए जाएँ। रैंडम सैम्पलिंग है जहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग की जाए मगर किसी ख़ास नंबर के तहत, यानी कि कोई ख़ास नंबर के चूज़ किए जाएँ एरियाज, सिर्फ वहीं पे ही रैंडम की जाए सैम्पलिंग। और थर्ड है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो कि की जाती है क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेटा के मुताबिक, यानी कि स्ट्रेटा की क्वालिटी को देखकर इंक्रीमेंट आर टेकन एट द रैंडम फ्रॉम ईच मोर, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें भी काफ़ी मरतबा की जाती है सैम्पलिंग, यानी कि काफ़ी मकदार में की जाती है और वो इस लिहाज से की जाती है कि स्ट्रेटा के वहाँ पर क्वालिटी क्या है। अब हम आगे चलते हैं। कॉमनली यूज टेक्नोलॉजीज़ जो कि इस्तेमाल हो रही हैं कंटेमिनेटेड लैड एंड ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा में, इस मेथड के तहत वो नीचे हैं। एक्स सीटू मेथड्स फॉर एनालाइजिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम एनालाइज करने के लिए भी यही मेथड यूज़ करते हैं एक्स सीटू सैम्पलिंग, जिसके अंदर वोल्केनो और वोलाटाइल और पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा की हम तमाम तर करते हैं एनालाइजिंग करते हैं। एक्स सीटू मेथड्स ऑफ फॉर एनालाइजिंग मेटल्स। मेटल्स को फाइंड करने के लिए भी एक्स सीटू मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स को इस्तेमाल करने के लिए एक्स सीटू सैम्पलिंग इस्तेमाल की जाती है। और लास्ट में एक्सप्लोसिव को भी एनालाइज करने के लिए एक्स सीटू मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स।